हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मानव शरीर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हो या एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या किसी बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, तो सभी जगह ये प्रश्न आपको आपसे पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को साइंस के इन बेसिक क्वेश्चनों को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि परीक्षा में तो आते ही हैं, साथ साथ कुछ लोगों के द्वारा पूछा भी जाता है डायरेक्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। तो चलिए, आइए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर हम लिखे हैं कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक मतलब हमारे शरीर का कौन सा भाग ब्लड बैंक कहलाता है? तो हमारे शरीर का जो भाग है ब्लड बैंक कहलाता है, तो उसका नाम है प्लीहा। किसे कहा जाता है? प्लीहा, अंग्रेजी में इसे स्प्लीन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के जो अंदर जो प्लीहा पाया जाता है, उसे ब्लड बैंक कहा जाता है, मतलब खून इसी में जमा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। आरएच फैक्ट्री के खोजकर्ता कौन थे? खून का जो आरएच फैक्ट्री होता है, उसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर आपको याद रखना है। उसी तरह दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है, आपको इस बात को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। हमारे शरीर का जो छोटी आंत होता है उसी में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि मानव शरीर में भोजन का पचना कहाँ शुरू होता है? तो ये मुख से शुरू होता है, मुख गुहा उसी को कहते हैं। और अवशोषण कहाँ होता है, मतलब पाचन कहाँ होता है अंतिम रूप से? तो ये होता है छोटी आंत में, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारा अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो स्रावित होता है ना, इसको इस अंग का जो नाम होता है इसे हम लोग कहते हैं यकृत। यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। लीवर से क्या स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है। ऐसे जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में भी आने की पूरी संभावना रहती है, रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि साइंस का पोर्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ऐसे इसलिए आप सभी प्रश्नों को जरूर याद करते चलें। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे शरीर में, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो मुख मुख से शुरू होता है, मतलब मुख गुहा या मुख से। अब हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हैं, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, मतलब कहाँ किससे होता है? मतलब प्रश्न कह रहा है ना, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसी से ऊतक का निर्माण होता है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? मनुष्य की सर्वदाता यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। डोनर जैसे डो डो में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। उसी प्रकार आपको याद रखना है ये कौन सा है, तो ओ है, आपको याद रखना है। ये कौन सा समूह है? ये समूह का नाम है ओ। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ, क्योंकि ड में ओ की मात्रा और ये भी क्या होता है? ओ है। अब हमारा अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होता है? चैम्बर मतलब वेश में कितने होता है? तो मनुष्य के हृदय में चार चैम्बर होता है। चार चैम्बर, उसको चार कोष्ठीय कहा जाता है, चाहे चार वेश में भी कहा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मतलब मनुष्य का जो दिल है ना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखिए, जैसे अब हमारा अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मतलब मनुष्य के जो दिमाग होता है ना, गर्दन के ऊपर वाला जो दिमाग होता है वो कितना होता है वजन? तो उसका वजन होता है 1350 ग्राम। कहीं कहीं 1400 ग्राम भी होगा और कहीं कहीं 1.5 kg भी होगा। तो आपको याद रखना है इन सारे टर्मों को। ये दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, मतलब कौन सा होता है? तो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो ए बी होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर, तो वो होता है ओ। इस बात को आपको याद रखना है। अब उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। मनुष्य के दांत और हड्डी किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। मनुष्य के दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य के पीएच का मान कित मनुष्य के मूत्र का पीएच का मान कितना होता है? यानी मनुष्य के पेशाब के पीएच मान जो होता है ना, कितना होता है आपको बताना है। तो मनुष्य के पीएच मान होता है, मनुष्य के पेशाब का पीएच मान यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, याद रखिएगा, मनुष्य के खून का, रक्त माने होता है खून, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? आपको याद होगा 7.4 होता है।
उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मतलब मनुष्य हमारे शरीर के ना मानव शरीर के पूरा शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा है। त्वचा के द्वारा ही ना शरीर पूरा घिरा रहता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कोई अगर कोई है तो है त्वचा, यानी स्किन है सबसे बड़ा अंग। देखिएगा दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यानी ग्लैंड, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर भी कहा जाता है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत यानी स्ट्रांग बोन कौन सा है, तो ये होता है जबड़े की हड्डी। अच्छा जबड़ा कहाँ पर जाता है, तो शरीर के हम लोग का जो फेस होता है, चेहरा होता है ना, जहाँ पर गाल होता है, दांत जिस पर स्थित रहता है, वही है सबसे मजबूत हड्डी, वो जबड़ा उसको बोला जाता है। यही है जबड़ा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी, सबसे मनुष्य के शरीर की बड़ी नहीं सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, आपको याद रखना, पूरे शरीर का से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, अमीनो अम्लों की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, इसकी संख्या 20 होती है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, बहुत ही रिलेटेड इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, मतलब पेशाब प्रतिदिन कितना बनता है एक मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन, इसका राइट आंसर होगा 1.5 लीटर, मतलब एक आदमी प्रतिदिन 1.5 लीटर पेशाब करता है औसतन। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, मतलब मनुष्य की एक वयस्क आदमी के शरीर में कितना खून पाया जाता है, एक वयस्क आदमी के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। आपको याद रखना है, 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, रक्त परिभ्रमण का मतलब क्या हुआ कि मतलब खून को पूरा शरीर में दौड़ने में कितना समय लगता है, इसका राइट आंसर होगा 23 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में खून 23 सेकेंड में पूरे शरीर में दौड़ जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है, मतलब मनुष्य के शरीर में जो विटामिन ए बनता है वो कहाँ पर संचित रहता है, तो ये संचित रहता है यकृत लीवर में, यकृत में यानी लीवर में, आपको याद। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मतलब मानव के शरीर के आदमी के शरीर के सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो वो हड्डी का नाम है फीमर, कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, हड्डियों की संख्या, क्योंकि हड्डी पर ही हमारा शरीर बना है, हड्डी से ही शरीर बना हुआ है, तो हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206, आपको याद होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, मतलब मनुष्य का जो सुंदरता का अध्ययन है ना वो क्या कहलाता है, आपको मालूम ही होगा कि मनुष्य में सबसे ज्यादा शौक श्रृंगार कौन करता है, स्त्री की पुरुष, तो मनुष्य में सबसे ज्यादा शौक श्रृंगार करती है सब लड़कियां, सब करती है, वो अपने चेहरे पर ज्यादा ध्यान देती है, तो उसी सुंदरता को क्या कहते हैं, केलोलॉजी कहते हैं, केलोलॉजी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, अंग्रेजी में रिप्स बोला जाता है, तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 12, आपको याद रखना है, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी मतलब छोटा स्मॉल में आकार में सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा हड्डी होता है स्टेपीज, स्टेपीज नामक हड्डी है, लेकिन पाया कहाँ जाता है, तो पाया जाता है हड्डी कान में पाया जाता है, हम लोग का जो कान मुलायम होता है ना उसी में ये हड्डी पाया जाता है, स्टेपीज नामक हड्डी। उसके बाद ये दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मतलब दिमागों में सबसे बड़ा भाग, हम लोग का जो दिमाग है ना उसमें भी छोटा बड़ा अंग होता है, तो दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर का मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो होता है सेरिब्रम। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मतलब मानव के जो खोपड़ी होता है ना जो दिमाग उसमें कितना हड्डी पाया जाता है, तो उसमें टोटल 8 वो हड्डी पाया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, खोपड़ी में दिमाग में हड्डियों की संख्या कई गो होता है, तो 8 गो होता है। अब अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अब देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया ऊपर जो बताए हैं, मतलब दिमाग का सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है, तो दिमाग का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, इसको याद रखें, कहीं कहीं सेरेब्रम भी होता है, ये मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का भी केंद्र होता है, और बुद्धि चतुराई के साथ साथ किससे प्यार है किससे नफरत है इसका भी यही केंद्र होता है, अगर ये हट जाए तो किसी इंसान को किसी से प्यार हो ही नहीं सकता है, तो सेरिब्रम के वजह से ही हर एक इंसान को प्यार होता है या किसी से नफरत। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाया जाता है, मतलब मनुष्य के शरीर के अंदर ना पानी कितना होता है, तो ये 65 से 80% तक पानी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, मांसपेशी कई गो होता है, तो ये 639 होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो ये शरीर का भार का 7% होता है, आपको याद रखना है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटा ग्लैंड यानी ग्रंथि, तो उस ग्रंथि का नाम होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जरूर आप सभी को याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब रक्तचाप जिससे ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है, रक्तचाप का मतलब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जिस यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर डॉक्टरों के द्वारा मापा जाता है उस यंत्र का क्या नाम है, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लार में पाया जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो लार में मुंह के जो लार होता है ना उसमें पाया जाने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन, आपको याद रखना है टाइलिन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, हम लोग के शरीर के अंदर लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है अस्थि मज्जा में। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कण को एक नाम से जाना जाता है, उस नाम का क्या नाम है, तो उस नाम का उसका नाम है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, मतलब लाल रक्त का जो कण होता है ना वो कितना दिन तक जीवित रहता है, तो वो 120 दिन तक जीवित रहता है। फिर क्वेश्चन ये आ गया, लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, तो वही बात है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। उसके बाद लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा, लिंग का निर्धारण होता है, तो ये होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, तो पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि पुरुष के पास एक XY दोनों गुणसूत्र पाया जाता है और लड़कियों में सिर्फ एक सेक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। तो बताइए लिंग निर्धारण स्त्रियों के द्वारा कैसे हो सकता है, उनके पास तो एक सेक्स ही होता है लेकिन पुरुषों के पास XY होता है, इसीलिए उन्हीं के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, हालांकि जनन में दोनों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक यानी किडनी का वजन कितना होता है, हमारे शरीर के अंदर दो किडनी होता है ना, तो एक किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम यानी 150 ग्राम होता है किडनी का वजन। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त कण का तो आपको मालूम चल गया है 2 से 120 दिन तक रहता है, लेकिन श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, आपको ट्रिक से याद रखना है, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट, ल से लाल है तो एरिथ्रोसाइट, लेकिन स से श्वेत है तो इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि, स्मेल ग्लैंड कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सर्वदाता रक्त समूह को कहा जाता है। उसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप यानी BP होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 120/80 mm, 120/80 mm होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाला। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर होती है, मतलब ये कह रहा है ना कि एक मनुष्य एक मिनट में सांस कितनी बार लेता है, ये लेता है 16 से 18 बार लेता है, कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार, आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने मानव शरीर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं या हमारे बेसिक प्रश्न जो हर कोई को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई ना कोई हमसे पूछ ही देता है, किताब में मिलेगा ये क्वेश्चन और परीक्षा में भी आते हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या किसी भी बोर्ड की भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी जगह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग अपने दिमाग में जरूर नोट करके रखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनका जानकारी उनको हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।